नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत आपका आपके अपने चैनल में। आज हिमाचल के पैरा टीचर्स द्वारा भी जो है मीडिया के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी है। मुद्दा क्या है, आप खुद ही जो है उनके द्वारा सुन सकते हैं। सर, परिचय दें अपना। मैं चितरंजन महंत, स्टेट प्रेसिडेंट पैरा टीचर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। क्यों खपा है सरकार? सरकार से इस वक्त जो बातें निकल के आ रही है JCC से पहले, तो एक तो OPS जो सबसे बड़ा मुद्दा है सभी कर्मचारी का है। हम चाहते हैं कि OPS लागू हो। हमारी जो भर्तियां हैं वो 2003 की भर्तियां हैं वैसे भी तो। और दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो हैं इनका जो पीरियड है वो 3 साल का है। 3 साल बाद इन्हें नियमित किया जाता है। अब इनकी डिमांड्स हैं, पिछले 2-3 सालों से चली आ रही है डिमांड, और शायद गवर्नमेंट करने के मूड में भी है कि इस पीरियड को 3 से 2 साल किया जाए। तो जब इनका 3 से 2 साल किया जाए, हमारा इसमें कुछ नहीं है। हम इनका 3 से 2 करो 2 से 1 करो, डायरेक्ट रेगुलर भर्ती करो। मगर जो जिन लोगों की भर्तियां हमारी जैसी भर्तियां पैरा टीचर पॉलिसी के तहत 2003 में हुई है, हमें भी उसी तरह से सीनियोरिटी हमें मिले 2003 के तर्ज पर, क्योंकि ये पॉलिसी 2003 की पॉलिसी है। यही हम सरकार से चाहते हैं। OPS के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त ये OPS के साथ गवर्नमेंट, उम्मीद हम जताए हुए हैं कि गवर्नमेंट जो है OPS लागू करेगी। मगर OPS अगर गवर्नमेंट से लागू नहीं हो पाता है हिमाचल में, तो कम से कम 2009 की अधिसूचना जो कर्मचारी की डेथ या डिसेबिलिटी होने पर जो केंद्र सरकार ने शुरू किया था, तो कम से कम उसे तो लागू करें। और ये मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या करें? नहीं पूरी होती तो हम इससे पहले भी मुख्यमंत्री मोदी से कई बार अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं, अपने रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है। अगर नई मांगे पूरी होती है उसके बाद भी हम बात करेंगे, सरकार से कोशिश करेंगे। वैसे सरकार के बाद मुझे नहीं लगता इसके बाद इतना वक्त होगा, तो धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे, अपना नाम बताएं। भूपेश शर्मा, प्रेस सेक्रेटरी पैरा टीचर एसोसिएशन। और देखिए, मेन मुद्दा जो वर्तमान में है कि JCC में एक डिमांड रखी गई है जो हमारा मेन मुद्दा है कि सीनियोरिटी को लेकर कॉन्ट्रैक्ट की। लेकिन शिक्षा विभाग में 12,000 से अधिक ऐसे अध्यापक भी है जो वो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के अलावा लगे हैं, अलग अलग RNP रूल्स के तहत लगे हैं। तो हम उनके विरोध में नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर उनके लिए सीनियोरिटी आती है तो हम लोगों के लिए भी वो सीनियोरिटी का मुद्दा, वो सीनियोरिटी हमको मिलनी चाहिए। सरकार से बात हुई आपकी? हमने रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को भी दे रखा है, और साथ में जो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष है अश्विनी जी, उनको भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि शिक्षा विभाग में खासकर जो अध्यापक है जो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा लगे हैं, तो उन पर भी जो है इस मुद्दे को, या अगर सरकार इस डिमांड को मानती है तो हम पर भी वो लागू हो। कितनी है आप लोगों की संख्या? देखिए, जो तो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा शिक्षा विभाग में भर्तियां हैं वो लगभग 12,000 या 18,000 के बीच में है। 98 से लेकर टिल 2007 तक ये ऐसी भर्तियां हैं।